आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि मेरु रज्जु क्या है, इसके द्वारा कौन सा कार्य नियंत्रित किया जाता है, स्पष्टित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है मेरु रज्जु। मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, अंग्रेजी भाषा में इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो क्या होती है मेरु रज्जु, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मेरु रज्जु जो है यह एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की भाग है। तो यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसका भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। ठीक है, यह है मेरुरज्जु। ठीक है, यह एक प्रकार का द्रव्य है। मेरुरज्जु जो है यह एक प्रकार का द्रव्य है। मेरुरज्जु यह एक प्रकार का क्या है, द्रव्य है। एक प्रकार का द्रव्य है जो कि द्रव्य है जो हमारे पश्च मस्तिष्क, जो हमारे पश्च मस्तिष्क मतलब हिंड ब्रेन, जो हमारे पश्च मस्तिष्क से कहां तक जाता है, हमारे मेडुला ऑब्लॉन्गेटा आपने देखा था, जो कि मस्तिष्क के पीछे होता है, ऑब्लॉन्गेटा। ठीक है, भाग से होकर के ये कहां तक जाता है, भाग से होकर के रीढ़ की हड्डी के अंदर। ठीक है, भाग से होकर रीढ़ की हड्डी के बीच स्थित नाल से गुजरता है। ठीक है, और यह अंदर तक जाता है। ठीक है, संपूर्ण लंबाई में ही जाता है। ठीक है, नाल से गुजरता है। ठीक है, इसके ऊपर भी मस्तिष्क की तरह तीन मीनिंग्स पाई जाती हैं। तो इसके ऊपर भी तीन मीनिंग्स पाई जाती है, मतलब तीन हैं, जैसे कि मस्तिष्क में होती हैं, उसी तरह से हमारी जो ये मेरुरज्जु होती है, मेरुरज्जु में भी तीन झिल्लियां पाई जाती हैं। तीन झिल्लियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है। तो वह तीन झिल्लियों के नाम है, नंबर एक नाम है उनका ड्यूरामेटर। नंबर दो की जो झिल्ली है वह उसका नाम है एरेंक्वॉइड। और जो नंबर तीन की झिल्ली है उसका नाम है पायामीटर। ठीक है, तो इस तरह की इसमें तीन झिल्लियां हैं जो बाहर से अंदर की ओर हैं। ठीक है, ये झिल्लियां किस प्रकार से हैं, ये झिल्लियां हैं हमारी बाहर से अंदर की ओर है। ठीक है, ये हमारी झिल्लियां हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हैं, मैंने मेरुरज्जु का चित्र भी यहां पर लगाया है आपके लिए, इसको भी समझाते हैं अभी। उससे पहले हम आपको बता दें कि इसके अंदर कैविटी होती है, मेरुरज्जु के अंदर तीन गुहा होती है। ठीक है, मस्तिष्क के समान मेरुरज्जु में भी तीन गुहा होती है। तो मेरुरज्जु में तीन गुहा होती है। ठीक है, कितनी होती है, तीन गुहा होती है। गुहा मतलब कैविटी होती है, तीन कैविटी होती है। ठीक है, ठीक, और इसमें जो पहली कैविटी है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उसका नाम है सबड्यूरल कैविटी। तो इसका नाम है सबड्यूरल गुहा। ठीक है, और जो दूसरा है उसका नाम है सबएरेंकोनाइड गुहा। इसका नाम है सबएरेंकोनाइड गुहा। ये इसके अंदर के गुहा है। ठीक है, अच्छा, ये उसके बाद है यहां पर एक और गुहा पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर भी पाया जाता है। इसके अलावा क्या है इसके अंदर, जो है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर पाया जाता है। ग्रे मैटर व्हाइट मैटर का मतलब यहां पर यह है श्वेत द्रव्य और धूसर द्रव्य। इसको बोलते हैं धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य। ठीक है, दूसरा द्रव्य और श्वेत द्रव्य इसको बोलते हैं, श्वेत द्रव्य। ये भी इसके अंदर पाया जाता है, जैसे कि मस्तिष्क में पाया था उसी प्रकार से इसमें पाया जाता है। ठीक है,
तो यही मेय रज्जु के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मेय रज्जु की संरचना के बारे में। तो जैसे आपने संरचना देखी तो ये देख रहे हैं आप मेय रज्जु की क्या है संरचना, देख रहे हैं आप यहाँ पर ये संरचना है मेय रज्जु की। ठीक, इस संरचना में आप देखा कि मेय रज्जु काटने पर ये एच शेप की बनती है। किस प्रकार की बनती है तो मैं लिख देता हूं आगे चल के, इसी पिक्चर को आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं लिखता हूं यहां पर इसमें क्या है एच प्रकार तितली एच आकार दिखाई देता है। किस प्रकार का तितली आकार, देखिए तितली एच आकार होता है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको और देखने को मिलेगा इसके दो हिस्से हैं। ठीक है, आगे वाले भाग को हम बोलते हैं इसके दो हिस्से हैं। आगे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं डोर्सल, इसको बोलते हैं डोर्सल हॉर्न। क्या बोलते हैं डोर्सल हॉर्न, यानी कि बोलते हैं पृष्ठ हॉर्न। ठीक है, और जो पीछे का हिस्सा है उसको बोलते हैं वेंट्रल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न यानी कि इसको हम बोलते हैं अधर हॉर्न। ठीक है, अधर सर्ग। ठीक है, तो ये इसके नाम है जो आगे से और वेंट्रल भाग अधर भाग होता है। ठीक है, ऊपर का भाग जो है वो निचले का भाग, ऊपर का भाग जो है वो डॉर्सल और नीचे का भाग वेंट्रल मतलब पृष्ठ हॉर्न ऊपर का और नीचे का भाग अधर सर्ग। ठीक है, ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए अधर सर्ग है यहां पर, ये है अधर सर्ग। ठीक है, और ऊपर आप देख रहे हैं यहां पर ये है पृष्ठ श्रृंग। ठीक है, तो अधर श्रृंग पृष्ठ श्रृंग आपको मिल गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये द्रव्य जो है द्रव्य भरा हुआ, यहाँ पर देखिए श्वेत द्रव मतलब व्हाइट मैटर, यहाँ पर देख रहे हैं ध्रुव द्रव्य मतलब ग्रे मैटर, और ये पुष्ट गुच्छन है मतलब जैसे कि तितलियों में होता है उसी प्रकार से ये गुच्छन है इसमें। ठीक है, और इन्हीं के बीच में क्या होता है, इन्हीं के बीच में फाइबर होते हैं जिनको बोलते हैं तंत्रिका तत्वों की, यहाँ पर इनके बीच में जगह होती है। तो मैं देता हूँ इन्हीं के बीच में क्या होते हैं तंत्रिका तंतु, क्या होते हैं तंत्रिका तंतु इन्हीं के बीच में मौजूद होते हैं तंत्रिका तंतु। ठीक है, तंतुओं की भी इसी के बीच में जगह होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो मेरु रज्जु होती है उसमें कुल 31 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं मेरु रज्जु में, मेरु रज्जु जो होती है, मेरु रज्जु जो मेरु रज्जु होती है इसमें कुल 31 जोड़े होते हैं। मेरु रज्जु में कितने जोड़े होते हैं 31 जोड़े होते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 31 जोड़े होते हैं। ठीक है, और इन 31 जोड़ों को पांच भागों में बटा जाता है। तो 31 जोड़ों को पांच भागों में बटाता है। ठीक है, बांटना जाता है। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य संरचना हो गई। ठीक है, उनके नाम भी अलग अलग हैं। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसके कार्य क्या है या इनके मुख्य कार्य क्या है। तो सबसे यहां डालते हैं मुख्य कार्य। ठीक है, तो कार्य लिखते हैं इसके कौन सी क्रियाएं करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है वह करता है प्रतिवर्त क्रिया मतलब रिफ्लेक्स एक्शन जिसको बोलते हैं। तो प्रतिवर्त क्रियाओं को वो करता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं मैसेज को पहुंचाने में किसी भी ग्रंथि को जो सूचना पहुंचाने में उत्तरदायी होते हैं। तो सूचना पहुंचाने का काम करते हैं, सूचना पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो सूचना पहुंचाने में उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, उत्तरदायी होते हैं। यह है आरोही और अवरोही, ये आरोही और अवरोही पथ का ध्यान रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो यह इनके प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको बताया सबसे पहले कि मेय रज्जु क्या है, उसके बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया कि मेय रज्जु के बारे में क्या क्या है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे समझाया आपको। फिर हमने इसके द्वारा किए गए कार्य को बताया और इसका हमने आपको संरचना भी यहाँ पर समझा दी ताकि आपको कार्य को समझने में आसानी हो। यहाँ पर हमने आपको इनके द्वारा किए गए कार्य भी बताए कि ये मुख्य रूप से कौन कौन से तीन कार्य में काम करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।